हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सेंसी अमित वास्ते और आप सभी का हमारी इस मार्शल आर्ट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैक कैसे लेते हैं। अभी तक आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वह प्रैक्टिस आप अपनी जगह पर खड़े होकर कर रहे हैं। इसके बाद अब आपकी फॉरवर्डिंग शुरू होती है। फॉरवर्डिंग शुरू करने के लिए आपको पोजीशन में ही आगे बढ़ना होता है। जब आप स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैक करने की प्रैक्टिस करते हैं तो उसी के साथ साथ आपको पंच भी अटैक करने होते हैं और किक भी अटैक करनी होती हैं। इन दोनों की प्रैक्टिस आपको स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैक में करनी होती है। तो इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें स्टेप फॉरवर्डिंग करनी है। देखिए, हम जिनको सू पोजिशन में आएंगे, जो हमारी जिनको सू पोजिशन है वहाँ से हम लेग उठाएंगे, क्लोज रखेंगे अपने क्लोज, और क्लोज से लेके साइड में रखेंगे इस तरह से। ओके, ध्यान से देखिए, ये और फिर ये और फिर ये, इस तरह से हमें फॉरवर्ड करना होता है। ये 1 2, देखिए 1 2, इस तरह से हमें फॉरवर्ड करना है और बैक स्टेप लेना है, समझे। अब जैसे हम ये खड़े हुए हैं, यहां से ये जो लेग हमारा पीछे जाता है वो थोड़ा सा क्रॉस में जाता है, उस पर ध्यान दीजिए। ये खड़े हुए हैं, ओके, हमारा जो बॉडी का वेट है वो आगे वाली लेग पे ट्रांसफर है इस समय, ओके। ये हमारी पोजीशन है। पीछे का लेग देखिए आप, थोड़ा सा क्रॉस रखा हुआ है, और जो हमारा नी है वो एकदम स्ट्रेट है। ये इस तरह से नहीं होगा ना इस तरह से होगा, ये एकदम स्ट्रेट रहेगा सामने इस तरह से, समझ रहे हैं। दोबारा देखिए, जब ये, ठीक है, ध्यान से देखिए, नी आगे का बैंड है हमारा, और जो हमारा पीछे का लेग है वो एकदम से स्ट्रेट है, पंजा हमारा क्रॉस में है और फेस गार्ड हमारा सामने है। इस तरह से हमें फॉरवर्ड करना होता है, ये इस तरह से, ध्यान से देखिए, ये जब भी हम स्टेप फॉरवर्ड करते हैं उसमें हम अपने पंच और अपने किक, इन दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तक हम अपनी जगह पर खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे हमारा फर्स्ट पंच है जोरान जुकी, ये हमारा नाक के ठीक सामने पंच है, और हम जब हम इसको फॉरवर्ड करेंगे तो जो लेग, जिस हैंड का लेग हमारे, जैसे ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड अभी हमारा फ्री है, तो हम राइट हैंड, राइट लेग को ही आगे रखेंगे, ये, ओके, ध्यान से देखिए, ये हम इस तरह से, अब हम पोजीशन में खड़े हुए हैं, दोनों शोल्डर हमारे सामने हैं, ये इस तरह से, ओके, ना ये होगा और ना ये होगा। पोजीशन समझने की कोशिश करिए, ये पोजीशन नहीं है हमारी, ये पोजीशन है, ये इस तरह से, दोनों शोल्डर हमारे ठीक सामने हैं, यही हमारी ठीक पोजीशन रहेगी। यहाँ से हमें फॉरवर्ड करना होगा तो लेग क्लोज रख के, क्लोज लेग लेके, और तब आगे रखेंगे, जो हमारा लेग आगे रखा हुआ है उससे क्लोज करेंगे और फिर आगे रखेंगे, लेकिन रखना नहीं है आपको, यहाँ रखना नहीं है लेग, ओके, यहाँ क्लोज करके वापस लेना है, क्लोज करके सामने रखना है। इसी तरह से आप जब भी स्टेप फॉरवर्ड करें, लेग क्लोज करके आगे रखेंगे, क्लोज करके पीछे रखेंगे, स्टेप बैक एंड स्टेप फॉरवर्ड। ये मैं समझता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप लोग कंटिन्यू करिए, कम से कम 10 स्टेप आप रेगुलर चलिए। फेस गार्ड बनाया, पोजीशन में आए, यहाँ से 1 2
3, 4, 5, 6 इस तरह से 10 स्टेप आप कंटिन्यू चलिए और विद इन 5 डेज आप पे क्लियर आ जाएगा ये। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पंच अटैक कैसे करने हैं और किक्स कैसे अटैक करनी है, फॉरवर्ड कैसे चलना है, पंच अटैक करते हुए और किक अटैक करते हुए हमें कैसे फॉरवर्ड होना है और कैसे बैक स्टेप्स लेने हैं। तो कैसा लगा आपको आज स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैक का ट्यूटोरियल, कमेंट करके बताएं। पहली बात आप लोग समझ लीजिए, मार्शल आर्ट सीखना इतना आसान नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में, जो हमारी पहली वीडियो थी इस सीरीज की, उसी में ये बात मैंने बोली थी कि मार्शल आर्ट सीखना इतना आसान नहीं है जितना कि आप लोग समझ रहे हैं। मार्शल आर्ट अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले तो आपको धैर्य की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो आप मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते। मार्शल आर्ट सीखने के लिए धैर्य की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमें एक महीने में ही लगने लगता है कि हम बहुत अच्छा आप मार्शल आर्ट सीख चुके हैं और अब हमें आगे की चीज़ बताई जाए। यह एक बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल शुरू किया गया है जिसमें सभी बिगनर्स मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो देखते हैं और उनसे प्रेरित होकर मार्शल आर्ट सीखते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप धैर्य के साथ सीखें। जो भी आपको बताया जाएगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बताया जाएगा। मेरे पास एक दो मैसेज आए हैं जिनमें मुझे बोला गया है कि सर आप ऐसा करिए, फाइट स्पेरिंग कराइए। अभी मैंने आपको केवल खड़े होना सिखाया है, कैसे आपको पंच करने हैं, कैसे किक करनी है, ये मैंने आपको बताया है और आप उसमें आप फाइट स्पेरिंग की बात कर रहे हैं। फाइट स्पेरिंग के लिए कम से कम 9 महीने लगते हैं तब बच्चा उसके बाद फाइट स्पेरिंग शुरू करता है और आप चाह रहे हैं कि अभी से फाइट स्पेरिंग शुरू कर दी जाए। जो लोग मार्शल आर्ट के बारे में जानते हैं वो लोग तो समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते, जिन लोगों ने नहीं सीखा है, बिल्कुल बिगनर्स हैं, वो लोग नहीं कर पाएंगे। फाइट स्पेरिंग इतनी जल्दी शुरू नहीं होती है, इसलिए ध्यान रखिए आप जो मैं आपको ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँ वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, उनको आप कंटिन्यू करते जाइए और आप आसानी से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। अभी आप केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दें, आपको जो भी हम करा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस रेगुलर करें। फाइट स्पेरिंग कराने में अभी टाइम है और वो हम कराएंगे, ऐसा नहीं है नहीं कराएंगे, वो भी हम कराएंगे, लेकिन उसमें अभी टाइम है, इसलिए आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और बस वीडियो को फॉलो करें। जो भी वीडियो आ रही हैं उनको देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। ओज़।